हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो प्रीवियस लेक्चर में, प्री फाउंडेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझ चुके थे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का मीनिंग क्या है, फोर्स जनरेट होने के रीजंस क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स क्या क्या इफेक्ट शो करेगा। और अभी इस लेक्चर नंबर टू में हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। हमें स्टार्टिंग करनी है टाइप ऑफ फोर्सेस। सो टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो अगर हमने फोर्स को डिवाइड किया है, हम यहाँ फोर्स के टाइप्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम फोर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक बेस चाहिए कि हम किस बेस पे फोर्स को डिवाइड कर सकें। तो पहला जो बेस है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टच। सपोज दैट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो फर्स्ट बात क्या थी, ऑब्जेक्ट कब अप्लाई होगा, जब क्या हो दो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन हो, कहीं भी दो सरफेस या दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इंटरेक्शन होगा वहां फोर्स जनरेट होगा। अब जो ये इंटरेक्शन है, ये मान लो पॉइंट ए है सरफेस ई, ये ऑब्जेक्ट बी, दीज आर ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। फोर्स जनरेट कब होगा, जब ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो। अब ये इंटरेक्शन कैसे हो रही है, अगर ये इंटरेक्शन होने के लिए इन्हें एक दूसरे के टच में होना कंपलसरी है, और एक है कि इनके बीच में फोर्स लगने के लिए टच कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उनके बीच में फिर भी फोर्स लग रहा है, उनके बीच में फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट मींस ये यहाँ पे दो टाइप हो गए। तो जो फर्स्ट वन है उसका नाम होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो सेकेंड वन है, ये वाला जहां टच होना एक लिमिटेशन नहीं है, वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मेनली फोर्स को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकेंड वन दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां हमारा इनको डिवाइड करने का मेन बेस क्या था कि दो ऑब्जेक्ट्स या दो सरफेस एक दूसरे को टच करती है या नहीं करती है। देखो स्टार्ट करते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होंगे, फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन टच। जब ये फोर्सेस क्या हो, ये बॉडीज क्या हो, एक दूसरे के टच में हो, तो उस टाइम जो बॉडीज, दो बॉडीज दो ऑब्जेक्ट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उसे हम लोग नाम देंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, उसे हम नाम देंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स को दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। जो सबसे फर्स्ट वन पार्ट होगा उसका नाम होगा मस्कुलर फोर्स, दैट इज बेसिकली मस्कुलर फोर्स, एंड द सेकेंड वन विल बी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलर फोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, ये हैवी ब्लॉक है, या कोई अलमीरा, जो भी आपके घर में ऑब्जेक्ट है, इसे हमें डिस्प्लेस करना है, इसे यहां से आगे शिफ्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पास अभी खड़े होंगे, मान लो इसके साथ खड़े होंगे, मुझे इस बोर्ड को यहां से हटा के आगे शिफ्ट करना है, मैं क्या करूंगा, इसके पास में आऊंगा। अभी हम उधर की जो कॉन्टेक्ट नहीं है, अभी हमारे बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, तो कहीं बोर्ड आगे शिफ्ट हो पाया, आई होप नहीं होगा। ये बोर्ड शिफ्ट कब होगा, जब मैं इसको टच करूंगा तो इसमें फोर्स लगेगा, तो यहां से हटा के आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो इट मींस मस्कुलर फोर्सेस कौन से होंगे, वो फोर्सेस जिनके अप्लाई होने वाली रीजन है इनके बीच में कॉन्टेक्ट होना। तो यहां पे इनके बीच में कॉन्टेक्ट होगा तभी ये आगे डिस्प्लेस हो पाएगा, तभी ये आगे शिफ्ट हो पाएगा। तो इस इट मींस जो फोर्स है उसका मेन रीजन क्या हो, कॉन्टेक्ट हो। और यहां मेन रोल किसका होगा, मसल्स का। हम लोग फोर्स चलाएंगे हाथ की मसल से, पांव की मसल से, तो इनमें मेनली इन्वॉल्वमेंट किसका है, मसल्स का। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है मस्कुलर फोर्सेस। तो यहां हम बोल सकते हैं फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन ऑफ, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन ऑफ, इंटरेक्शन ऑफ मसल्स, तो उसे हम क्या नाम देंगे, मस्कुलर फोर्स। अब सेकेंड वन है फ्रिक्शन फोर्स, द सेकेंड वन दैट इज बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स। यहां एक वर्ड मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका नाम क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
टर्म है. तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. सपोज दैट यहां ये दो राइडर्स है, दो बाइक है, पर्सन ए और पर्सन बी के पास में, दोनों यूं एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, दोनों दूसरे यूं एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं. अब हमने कहा कि जो ए पर्सन है उसे बी क्या फील होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ए की वेलोसिटी उसको हम रिवर्स करते हैं, इस तरह ना उसको रिवर्स करते हैं. तो ए को लग रहा है कि बी उसकी तरफ बिल्कुल फास्टली आ रहा है, बी उस ए की तरफ बिल्कुल फास्टली मूव करेगा. देखो हमें क्या करना है, हमने जिस भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है उसे रेस्ट पे ला दो, उसे रेस्ट पे ला दो. वो रेस्ट पे कैसे आएगा, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसे उसमें से माइनस कर दीजिए. फिलहाल ये इसकी डायरेक्शन है तो हमें इसे माइनस करना है, माइनस मीन्स की डायरेक्शन को अपोजिट करना है. तो ये हो गया डबल. तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब वो वेलोसिटी जो किसी एक भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको पोज कर देंगे, उसको हमारी हम उसकी वेलोसिटी को जीरो कर देंगे तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्या फील होगा, वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये वो फोर्स है जो रिलेटिव वेलोसिटी का हमेशा अपोज, हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होगा. जो कहां होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. कहां लगेगा ये, अप्लाई होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फील होगा. सो आई होप आपको दोनों फोर्सेस समझ में आए होंगे. अब हम फ्रिक्शन की कुछ और बातें करते हैं. ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड सरफेस है, यहां हम ह्यूमंस ट्रेवल करते हैं. तो जो ह्यूमंस ट्रेवल कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है फ्रिक्शन का. अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए तो हम लोग वी कांट मूव, हम लोग मूव ही नहीं कर सकते, हम लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, हम वहीं पे स्लिप होंगे. सपोज दैट हमने एक ग्राउंड लिया, एक फ्लोर लिया, वहां पे हमने ऑयल को स्प्रेड कर दिया. अब हम उस ऑयल पे नहीं चल सकते क्योंकि आप अगर चलने की कोशिश करोगे आपके पांव स्लिप होंगे. इट मींस वहां क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नियरली इक्वल्स टू जीरो, नियरली इक्वल्स टू जीरो. फोर्स इक्वल्स टू जीरो आइडियली नॉट पॉसिबल, आइडियल केस नॉट पॉसिबल. इट मींस ये केस पॉसिबल होगा ही नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को जीरो कहीं नहीं कर सकते, हम लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं ऑन द पेपर. सो आई होप आपको फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स दोनों एक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे. तो आप लोग इसका फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं. सो आई एम रेजिंग द टाइप्स ऑफ फोर्सेस और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंस फोर्स क्या होंगे और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होंगे. सॉरी ये अभी हमने सिर्फ क्या समझा है, कॉन्टेक्ट फोर्स को. अब सेकेंड टाइप क्या था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. तो अब हम समझते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. सो अब हम समझ रहे हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब यहां पे किसी भी दो ऑब्जेक्ट या सरफेस के बीच में फोर्स अप्लाई होने के लिए उनका टच में होना कोई बाउंड्री नहीं है. इट मीन्स अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू, अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस मेंटेन है तो भी यहाँ फोर्स अप्लाई होगा, तो भी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू में कुछ ना कुछ फील होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट वन मैग्नेट टू है, अगर हम इन्हें पास पास ला रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद लगने छोड़ देने, अगर हम छोड़ देते हैं तो भी ये अट्रैक्ट या रिपेल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. इट मींस मैग्नेटिक फोर्सेस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. वहीं अगर हम बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अर्थ का सेंटर, दिस द सेंटर ऑफ अर्थ, यहां हम लोग कहीं खड़े हैं ऊपर सरफेस पे, क्या हम सेंटर से टच में है, नहीं, वी आर नॉट इन द टच ऑफ सेंटर, लेकिन फिर भी हम भी फोर्स हर टाइम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही लगता है. इट मींस अर्थ का सेंटर और ह्यूमन के पांव कभी कॉन्टेक्ट में नहीं आते, हम लोग सेंटर से काफी एक लेवल पे हैं, किसी हाइट पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं और उस हाइट से फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां अप्लाई होता है, ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ना तो वो ह्यूमन और ना वो सेंटर पॉइंट.
इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन से होंगे। और एक लास्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने यहां अज्यूम किया एक पार्टिकल, इसका नाम हुआ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिस पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम वही एक पार्टिकल और इसका नाम होता है प्रोटॉन, एक अदर पार्टिकल है इसका नाम है प्रोटॉन, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पे चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर हम लोग दो इलेक्ट्रॉन को पास पास ला रहे हैं, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर वन इलेक्ट्रॉन नंबर टू को हम पास पास ला रहे हैं, तो इनमें होगा रिपल्शन, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि सेम सेम अट्रैक्ट नहीं करता है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस। वहीं अगर हम लोग यहां पे लाएं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को पास लाते हैं, तो यहां पे कैसे चार्ज होंगे, ऑपोजिट चार्ज यहां पे होंगे, नेचर में अपोजिट, मतलब एक पे अगर चार्ज नेगेटिव है तो एक पे पॉजिटिव होगा, तो यहां होगा इनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे अप्लाई होगा। रीजन है डिफरेंट चार्जेस इसका रीजन है, ठीक है। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था मैग्नेट का, देखो मैग्नेट में मेनली क्या होगा, दो पोल होंगे, एक तो होगा नॉर्थ पोल और सेकेंड होने साउथ पोल, तो यहां ये मैग्नेट नंबर वन है, ये मैग्नेट नंबर टू है, हम इन मैग्नेट को यू पास ला रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल है, हमने नॉर्थ और साउथ को पास लाए, क्या दोनों पोल डिफरेंट है, दोनों पोल डिफरेंट है, डिफरेंट पोल्स चार्जेस कर दो तो यहां पे क्या होंगे, डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट। यहां क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे अप्लाई होगा। वही यहां देखो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैग्नेट है साउथ पोल और सेकंड मैग्नेट साउथ पोल, हम इसको पास पास ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा रिपल्शन, ये एक लिमिट तक आ पाएंगे तो इसको रुमा के लेंगे तो नहीं आ पाएंगे, ये दूसरे को ऑटोमेटिकली रिपेल करेंगे, मतलब यहाँ देखो फोर्स क्या हुआ, एक इनके कॉन्टेक्ट में आने से पहले इनको फोर्स दूसरे को फील हो रहा है, मतलब ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स फील होने के लिए उनका टच में आना एक लिमिटेशन नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे मेन बात है कि अगर हम बात करें सेम सेम पॉलिटी की, सेम सेम चार्ज की, सेम सेम पोल्स की, वहां तो होगा रिपल्शन का फोर्स, और हम बात करें डिफरेंट चार्ज की या डिफरेंट पोल्स की, वहां होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को भी कंप्लीट कर लिया, आप इसके अगर फटाफट से क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। So now we are going to talk about the balanced and unbalanced forces. So we are talking about the balanced versus unbalanced forces. Balanced versus unbalanced forces. ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या चीज लेते हैं, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, ये हैवी मास है, यहां हमने दो पर्सन को हायर किया कि आपको इसको राइट लेफ्ट शिफ्ट करना है, ये पर्सन नंबर वन लगा रहा है F1 फोर्स, यहां पर्सन नंबर टू लगा रहा है F2 फोर्स, यही सेम वर्क हमने एक और टीम को दिया कि उन्हें भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इन्होंने अप्लाई किया F1, इन्होंने अप्लाई किया F2-F1-, ठीक है। Suppose that F1 की वैल्यू हमने assume की 10 न्यूटन, यहाँ हमने assume किया है 10 न्यूटन, और by mistake यहाँ भी कितना आ रहा है 10 न्यूटन, यहाँ भी कितना आ रहा है 10 न्यूटन, it means ये marker है, मेरा ये right hand इसे pull कर रहा है 10 न्यूटन से, वही मेरा left hand इसे pull कर रहा है 10 न्यूटन से, तो क्या ये कहीं move होगा, नहीं, ये यही रहेगा 10 न्यूटन सिर्फ, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, ये कहीं मूव नहीं होगा, अभी जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो वेस्ट हो रहा है, वो किसी टाइम में यूज नहीं आ रहा, वहां मेरी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो ये तो क्या बैलेंस है क्या, ये ना राइट में लेफ्ट मूव हुआ ना लेफ्ट में हुआ, मतलब ये कैसा फोर्स है, दिस इज बैलेंस्ड फोर्स, ये कैसा होगा,
बैलेंस फोर्स, इट मींस जब भी दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो एग्जैक्टली सेम हो, इस फोर्स की भी, तो वहां फोर्स कैसा होगा बैलेंस्ड, वहां फोर्स कैसा होगा बैलेंस्ड। अब हम बात करें सेकंड केस की, यहां F1 की वैल्यू 50 न्यूटन है, वहीं F2 की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो यहां ज्यादा फोर्स किसका है F1 का, ये F1 था ये F2 था, F2 ने इस मान को पुल किया 10 न्यूटन के फोर्स से, वहीं F1 ने इसको पुल किया 50 न्यूटन के फोर्स से, तो अब क्या होगा, अब मार्कर राइट वर्ड में मूव करेगा, क्योंकि यहां पे नेट फोर्स क्या होगा F नेट इक्वल्स टू 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, किस तरफ राइट साइड में, इनटू द राइट साइड। तो इट मींस क्या हो गया कि अनबैलेंस फोर्स कौन सा होगा, जहां पे दोनों फोर्सेस में कुछ नेट फोर्स की वैल्यू जीरो ना हो, जहां पे F नेट नॉट इक्वल्स टू 0 या F नेट टोटल की भी वैल्यू जीरो ना हो, वहां पे तो होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। वही बात करें बैलेंस फोर्स की, यहां पे F नेट नेट फोर्स की वैल्यू होगी 0, नेट या टोटल बोल दो एक ही बात है, टोटल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट या नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट विल बी 0, देन इट इज बैलेंस्ड फोर्स, इट इज बैलेंस्ड फोर्स। And if the value of net or total force is not zero on any object, the force is unbalanced force. So I hope आपको force completely समझ में आ गया होगा। तो इधर आप लोग इसका फटाफट से screenshot capture कर लीजिए और अब हम start करने वाले हैं pressure। हम start करने वाले हैं pressure। Pressure कुछ नहीं, pressure भी force ही है। Pressure भी एक type का force ही है। बस उसमें एक छोटा सा change होगा। वो हम देखते हैं ना कि उनमें क्या minute सा difference है। ये एक सरफेस है, ठीक है, यहां हम पढ़ने वाले हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं, दैट इज प्रेशर, दिस इज नोन एज प्रेशर। ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, इट इज अ सरफेस। अब इस सरफेस हमने क्या अप्लाई किया, इसे उसे एक एरिया होगा, ये एरिया है ए, दिस इज नोन एज एरिया ए। इस एरिया पे हमने अप्लाई किया फोर्स, इस पे हमने क्या अप्लाई किया फोर्स, यहां मैंने अप्लाई किया एक फोर्स, F अमाउंट का फोर्स, तो उसे हम क्या नाम देंगे प्रेशर। इट मींस प्रेशर क्या है, प्रेशर एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन बस वो कहां अप्लाई होगा, किसी भी यूनिट एरिया पे, मतलब फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, उसे हम लोग क्या नाम देंगे प्रेशर। यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लग रहा है उसे हमने नाम दिया प्रेशर। इट मींस फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो आई होप आपको प्रेशर भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।